Hey guys, what's up? कैसे हो? So, सबसे पहले आप लोगों को जाकर के ईद मुबारक. आज है 30 रमजान कंप्लीट करने के बाद आज ईद है. ईद की नमाज 8 बजे अदा करूंगा मैं जाकर के. तो अभी फिलहाल मैं तक रेडी हो चुका हूँ, अपना गुसल ले लिया. गुसल लेने के बाद जा रहा हूँ ईदगाह में, मस्जिद में, जहाँ पे हमें नमाज अदा करनी है. और ऑलरेडी मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, सो करके उठा लेट से. इससे पहले मुझे जाकर के नफल नमाज अदा करनी है. नफल नमाज अदा करने के बाद मैं जाऊँगा. फिलहाल चलते हैं, पापा चले गए, उसके बाद आकर के आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. एंड आज 2 सालों के बाद ईद मनाई जा रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. मतलब अच्छे से, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन में गुजर गया था ईद, तो अभी अच्छे से ईद मनाई जा रही है. तो बिना देरी किए चलते हैं मदरसे में. तो अभी इधर बाहर का मौसम भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रखा है. पूरी रमज़ान इबादत करने के बाद रमज़ान का महीना चला गया, रहमत का महीना चला गया, और अभी जा रहे हैं हम लोग ईद की नमाज़ अदा करने को. और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एकदम बदली बदली किया हुआ ने. तो इससे मतलब कुछ दिन पहले ही पूरा धूप हुआ करता था. तो बस मदरसा मेरा जस्ट थोड़े से दूर में ही, चलते हैं. अभी ना हम लोग ने नमाज़ अदा कर ली. बाहर कितने भी दोस्त थे, मोहल्ले वाले थे, सभी से गला मिल लिया, मुबारकबाद दे दिया उन्हें. अब चलता हूँ घर. घर जाकर के सभी को मुबारकबाद देता हूँ और पर भी लेता हूँ. पर भी लेने में अलग ही वजह, इसे ईद ही कहते हैं हम लोग. एक तो अम्मी पूरा गोरा लग रहा, पापा पूरा काला लग रहा, ऐसा कहा है. काची लाए टोपी, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए. तो यहाँ पे भी सब फुल फैमिली फोटो खींचा रहा है, ठीक है. यहाँ फोटो के लिए सब रेडी. इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए. क्या कलो किधर गया? तो अभी ना वक्त हो चुका है हमारे कब्रिस्तान जाने का. जितने भी हमारे वहाँ पे भाई बहन, दादा दादी, जितने भी रहते हैं वहाँ पे, सभी से जाकर के मुलाकात करना है और सभी को वहाँ पे दुरूद फातिहा पढ़ना है और उसके बाद उन लोगों को मुबारकबाद देना है. एंड गाइस, ईद का ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बहुत सारे लोग आएंगे हमारे घर पे, सबसे आप लोग को मिलाऊंगा. एंड अभी फिलहाल इधर मेरी बाइक को भी मैंने कल धो दिया था, तो अभी फिलहाल चलते हैं कब्रिस्तान इसी से. तो वी ऑल राइट, पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान. तो कुछ ऐसा नज़ारा है आज के दिन, सभी लोग मिलने के लिए आए हुए रहते हैं, अपने अजीजी, अपने रिश्तेदार जो भी यहाँ पे रहते हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनके लिए फातिहा दुरूद करने के लिए. तो अभी हम लोगों ने जाकर के कब्रिस्तान में दुरूद फातिहा पढ़ लिया. अभी चल रहे हैं घर. घर जाकर के बहुत सारे कामें करनी है, ईदी देनी है, ईदी लेनी भी है सभी से. तो फिलहाल देखते आगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. तो यहाँ पे गाइस, मैं अभी घूम ही रहा था कि रास्ते में घूमते घूमते मुझे एक चीज़ दिखाई दिया है, ये यहाँ पर घड़ा, जो कि भाई गर्मी में कोई भी मतलब पानी प्यास लग जाता है किसी को, तो यहाँ पर आकर के पी सकता है. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई देख करके मुझे, ये खतरनाक एक नंबर. हमारे यहाँ भी आ चुके हैं हमारे गुरुजी, ज्योति श्री मैम, उधर प्रिंस सर. प्रिंस सर, से हाय टू माय ब्लॉग प्लीज. हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग. सबको ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक ब्रो. ईद मुबारक. मज़ा आ रहा है. आराम में लेकर के आ गई पानी. खातिरदारी करिए. हाँ ये भी सही है, घर है. तो फिलहाल अभी क्या खाना पसंद करेंगे? इधर आ गया अभी दही बड़ा. पहनिए. पूरा लग रहा है, पूरा लग रहा है एकदम दाढ़ी मचला. कैसा लग रहा बताओ तो एकदम. बताइए तो कैसा दिख रहे. तो अभी फाइनली मेरे को गिफ्ट मिल चुका है, ठीक है. क्या गिफ्ट है अंदर जाकर के बाद में बताएंगे, लेकिन मेरा फेवरेट चीज है. फोटो शूट हो रहा है. देखा, फोटो शूट हो गया कंप्लीट.
अभी सीनों को गिफ्ट तो दे ही दिए थे रूम पे, बट थंबनेल खिंचवाने के लिए ऊपर में आए थे छत पे। आउटडोर में थंबनेल अच्छा आ रहा है। वैसे यहाँ पे ज्योति को सिर्फ पसंद आ रहा आम गाछ। एक यूट्यूबर के लिए सिर्फ चाहिए कंटेंट ना, कुछ भी काम पड़े ना सीनों को, खाली कंटेंट निकलना चाहिए। ये देखिए वहाँ सीनू का भी ब्लॉग बन रहा है। इधर ये सीनू की मम्मी अमी बोल दे यहाँ टेस्टी टेस्टी खाना खिलाई है। फालूदा लच्छा दही बड़ा। चलिए और भी दो तीन चीज था, आप लोग का पेट में जगह नहीं कम हो गया। वो तो कुछ भी नहीं खाया, नहीं खाया। इसको मीठा पसंद नहीं, बस दही खाता नहीं। इसको छोड़ दो। दूध भी नहीं खाता होगा, दही खाली सिर्फ नहीं खाते। हाँ दूध खा, दूध पीता है, दूध पीता है। लीजिए मैं रख दिए गिफ्ट। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आतिफ के घर, मैं प्रिंस सरजी और ज्योति। वहाँ पे भी जा करके हम लोग को दावत खाना है और सभी को मुबारकबाद देना है ईद की। उसके लिए भी कुछ लिए हैं। हाँ मिठाई उठा लीजिए। चलिए यहाँ पे देखो सारे बच्चे लोग मोहल्ले के। ईद मुबारक, ईद मुबारक ब्रो। सब बढ़िया, सब बढ़िया, एकदम दावत दे रहा ना बिरयानी का करके। तो अबे चोखा। तो ऑल राइट गाइस, अभी मनोज भैया लोग सभी कोई चले गए हैं अपने घर पे और मैं आ चुका हूँ अभी फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि भाई ईद के दिन एक भी पोस्ट मैंने नहीं किया और फोटो क्लिक अच्छा नहीं करा पाया। तो अभी मेरे साथ आ गए हैं मेरे आदित्य भाई, जो कि मेरा फोटो शूट करेंगे बढ़िया बढ़िया, है ना भाई। कैमरा कौन सा है, निकॉन D5600। बढ़िया फोटो आएगा। तो फिलहाल अभी अच्छा सा फोटोज क्लिक करवाते हैं, देन उसको रिटच करके इंस्टा पे पोस्ट कर देंगे। अगर आप लोग ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 308 और आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से फॉलो करना। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ घर, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि सर जी जो है मुझे क्या गिफ्ट दिए थे। आप लोग को तो वैसे समझ में आ ही गया होगा अगर आप लोग उनका ब्लॉग देख लिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, ये सर जी मेरे को शूज ला करके दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, मस्त है। इसका क्वालिटी भी मस्त लग रहा है देखने में, और ऊपर से इसका जो कलर है ना वो नियॉन ब्लैक में है, जो कि पार्टी वेयर बहुत ही अच्छा है, एंड मैं जिम में भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया ये गिफ्ट। सो ऑल राइट, सारा दिन मीठा चीज खाने के बाद अभी रात पे साहिब के घर पे मेरा चल रहा है, ये के साथ खट्टे के साथ कुछ का गोलगप्पा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है ओपन चैलेंज पंजा के लिए हराने का, हरा पाऊंगा या नहीं देखता हूँ फिर भी। ए रिकॉर्ड करो, कौन जीतता है, कौन करेगा बोलना। 3 2 1 टिपन है कि नहीं है बोलो। ए थरथरा कैसे रहा, देखो लड़ानी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अभी जीत चुका हूँ, ठीक है। कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत तो रहा, रेट हम थोड़ी नहीं खाते। अब मैं साबिर से करूँगा। आ साबिर, आओ आओ आओ, देखते हैं कि मुझ में कितना है दम, है कि नहीं। रेडी 3 2 स्टार्ट है, 1 गो। चलता रहे, कितना हिला ही है, खूब हिलता है। गलत हो गई। थोड़ा सा ताकत लगा, छोटे ताकत लगा, थोड़ा सा। एक नंबर चेयर <शियर भागी यार। laughs> तो फिलहाल ना यहाँ पर ये हुआ कि चेयर ने साथ छोड़ दिया, मेन पावर लगाने पर ना चेयर ऐसे हो जा रहा था, पुचुर 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 पुचुर। बराबरी का टक्कर था जिसमें पैसा लमसम में 80% ने 80% हार चुके थे। वो वीडियो में आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो गाइस कुछ इस तरह से बीता हमारा इस साल का 2022 का ईद, जो कि 2 सालों के बाद इतनी मस्ती में गुजरा, क्योंकि लॉकडाउन था तो 2021 में मतलब आराम से ही किया गया था ईद। वैसे नहीं था कि जैसे प्रॉपर घूम सकते हो कोई, लेकिन ईद 2022 में हम लोग ने पूरा घूमा और बहुत सारा ऐसा मोमेंट्स था मतलब जो कि कैप्चर नहीं हुआ, ब्लॉग में हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। जितना मतलब मेन था जो दिखा सकता था वो सब मैंने दिखाया। सो उम्मीद करते हैं आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का कहना ना मिलना। सो गाइस मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।